वीडियो मतलब वीडियो नंबर 96 में मैं हमारी सेकंड बुक कंपनी अकाउंट का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा क्वेश्चन के अलावा रह गया था उनको डिस्कस करूंगी और आज ओवरऑल थ्योरेटिकल को कंप्लीट करके हम इस बुक का थ्योरेटिकल पोर्शन भी आज वाइंड अप कर देंगे। राइट, शुरू करते हैं। जब बेटा मैंने इस बुक को शुरू किया था तो आप याद करिए मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 हमने याद की थी, जिसके अंदर कई फीचर्स आ गए थे बेटा। और डेफिनेशन थी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सी। और ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में याद करने के लिए वो था हमारा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के कई सारे फीचर्स हमने पढ़े थे। पहला था परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड वन मोर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फीचर्स हमने पढ़े थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर मर जाता है या चला जाता है तो कंपनी का उस पर कोई भी असर नहीं होता। आगे बढ़े थे तो मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि कंपनी तीन तरीके की होती है। क्योंकि रिवाइज करा रही हूँ तो एक बार मैं आपको सारे के पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी। मैंने तीन तरीके की कंपनी बताई थी बेटा। पहली थी वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी जिसमें मेंबर केवल एक होता है और हमारे इंडिया का रेजिडेंट ही होना चाहिए। राइट, प्राइवेट कंपनी जिसके मेंबर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी जिसमें हमारे 51 मोर देन शेयर आर ऑफ गवर्नमेंट एंड हैविंग द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो एंड दैट इज नोन एज पब्लिक कंपनी। और एक और डिफरेंस होता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो प्राइवेट कंपनी है, केवल लिमिटेड लिखा है तो वो हमारी पब्लिक कंपनी है। इसके बाद जब बेटा हम आगे बढ़े तो मैंने आपसे ज्यादा थ्योरी ना लेकर सीधे सीधे आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो इश्यू ऑफ शेयर्स का है। तो शेयर क्या होता है, अगर मैंने 1,00,000 रुपए के हिसाब से ऑथराइज कैपिटल कंपनी को मिला है, परमिशन मिली है और कंपनी ने 90,000 शेयर सब्सक्राइब इश्यूड कर दिए और 80,000 सब्सक्राइब हो गए तो इस 3 को कहते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। और शेयर्स होता है अ सिंगल यूनिट ऑफ अ कंपनी एंड द पर्सन हु होल्ड्स इट्स शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर। राइट, तो हमने शेयर जाना कि उस इकाई को उस यूनिट को कहते हैं शेयर्स एंड जो पर्सन उस पे पैसा लगाता है उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को हमेशा कंपनी का ओनर माना जाता है। शेयर दो तरीके के होते हैं, ये वाली वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। दो तरीके के होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जिसको वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर जिनको डिविडेंड देने की, वाइंड अप करते हुए पेमेंट देने की सारी सुविधाएं हैं, बस वोटिंग राइट उनके हाथ में नहीं। इस तरह से हमने शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर में डिफरेंस तैयार किया बेटा। हम आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि तीन तरीके के शेयर्स होते हैं, ऑथराइज, सब्सक्राइब एंड इश्यूड। और बेटा साथ में हमने कुछ सब पॉइंट्स भी तैयार किए जैसे रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, जिसका मैंने स्पेशल आपको कहा था कि बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो शेयर कैपिटल या कैपिटल रिजर्व, इनमें डिफरेंस हमने तैयार किया था। रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल को कहते हैं बेटा जो हमेशा एट द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी हमेशा तभी अराइज होता है। और कैपिटल रिजर्व में कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और वाइंडिंग अप का भी इसका कोई भी चक्कर नहीं है। जितने भी डिफरेंस मैंने आपको बताए थे बेटा वीडियो में, उसको आप तैयार करेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे फॉर द वन वर्ड आंसर्स। राइट, जब हम आगे बढ़े तो बेटा हमने पढ़ा कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, उसके मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हमारे छूट गए थे उसमें से पहला पॉइंट था बेटा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है बेटा जब कंपनी
गिने चुने इन्वेस्टर्स को, कुछ गिने चुनी कंपनीज को ही शेयर अलॉट करती है प्राइवेटली, नॉट टू ऑल टू पब्लिक, दैट इज दिस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। मैं रीड करती हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मींस इश्यू ऑफ शेयर्स टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा, एंड दिस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेटली कंपनी उन पर्सन्स, कुछ इंडिविजुअली कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को शेयर अलॉट कर रही है, एंड दिस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो छूट गया था उस समय थ्योरी का, वो था बेटा प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। अगर द कंपनी इज गिविंग प्रिफरेंस टू अ स्पेशल काइंड ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अलॉट द शेयर्स, एंड सच टाइप ऑफ अलॉटमेंट इज नोन एज प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट बेटा बेसिकली प्रमोटर्स को, वेंचर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। मैं इसको रीड कर देती हूँ। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस टू द आइडेंटिफाइड पर्संस लाइक प्रमोटर्स, वेंचर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, राइट? इसको कहते हैं प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। और इसका जो रेट होता है ना बेटा, प्राइसेस होते हैं शेयर्स के, वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ESOP, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये बेटा वो ऑप्शन है जो ग्रांट करती है कंपनी किसको, टू द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉई डायरेक्टर टू सब्सक्राइब द शेयर एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब अगर मार्केट का रेट हाई है तो उससे लोअर रेट पे जब कंपनी अलाउ करती है शेयर्स को, किन किन को, टू द एम्प्लॉइज और द डायरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉइज, सच टाइप ऑफ ऑप्शन इज नोन एज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ये भी कभी कभी हमें एग्जाम में नजर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दूंगी, वो खर्चे जो कंपनी जब हमारी शुरू हो रही है या कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपनी शुरू कर रही हूँ, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी का नाम फेम इंक्रीज करने के लिए जो मैं खर्चा करती हूँ, जो मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए जो मैं खर्चे करती हूँ ना बेटा कंपनी को रन करने से पहले, एंड सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट? हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है वो मिनिमम अमाउंट जो कंपनी में सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब आप बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर उतना अमाउंट ना हो पाए तो बेटा कंपनी कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को, इनकॉर्पोरेटर्स को शेयर दे देती है इन ऑर्डर टू बैलेंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड दिस इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम अमाउंट नीडेड टू रन अ कंपनी, वेदर द प्राइवेट कंपनी और द पब्लिक कंपनी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हमारा कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, जो मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। कॉल इन एरियर होता है बेटा जो पैसा, जैसे कंपनी ने कॉल किया, फॉर एग्जांपल कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कॉल किया, फर्स्ट कॉल के लिए कॉल किया, सेकंड के लिए किया, फाइनल के लिए किया, और कॉल करते में उसका पेमेंट ना आए तो मतलब एरर हो गया। सच टाइप ऑफ कॉल व्हिच हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट इज नोन एज कॉल इन एरियर, एंड कॉल इन एडवांस होता है जब टाइम से पहले, मतलब अलॉटमेंट से पहले ही नहीं, सॉरी फर्स्ट कॉल से पहले ही अलॉटमेंट का पैसा आ जाए, सेकंड कॉल से पहले ही पैसा आ जाए, तो समय से पहले अगर पेमेंट आ रहा है, रिसीव हो रहा है, दैट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। तो ये हो गया हमारा कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट। एट पर मैंने आपको बता ही दिया था बेटा व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड एट द फेस वैल्यू एंड व्हेन मोर देन द फेस वैल्यू इट इज नोन एज प्रीमियम। फिर हमने आगे बढ़े, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया, मैंने आपसे कहा था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा, रिजेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोरेटा एंड रिजेक्शन थ्री ऑल्टरनेटिव्स होते हैं।
और तीनों के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से हमने टेबल बनाई और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर कोई वन मार्क्स में आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ओवरसब्सक्रिप्शन, तो आप बताएंगे देयर आर बेसिकली थ्री ऑल्टरनेटिव्स। नंबर वन प्रोरेटा, नंबर टू रिजेक्शन, नंबर थ्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोरेटा। मैं आपको प्रोरेटा का फॉर्मूला बता देती हूँ बेटा। प्रोरेटा का फॉर्मूला होता है शेयर्स अलॉटेड अपॉन शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या होता है बेटा? शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर अप्लाइड अपॉन इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोरेटा। तो कभी भी कोई आपसे वन मार्क्स में पूछे डिफाइन प्रोरेटा या फिर प्रोरेटा इक्वल्स टू, तो आप ये फॉर्मूला लिखकर इस पॉइंट को भी यहाँ पर क्लियर कर देंगे, राइट। आगे जब हम बढ़े थे बेटा, वो हमारे सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, वो था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो था बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन द कॉलिन एरियल एंड कॉलिन एडवांस। तो उन दोनों की जो हमने डेफिनेशन याद की है उसको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे। इन कंसिडरेशन में हमने वेंडर का एंट्री बताई और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू पर प्राइस से हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालना भी सीखा था। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो था हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स इज नोन एज शेयर्स फोरफीटेड, राइट। शेयर्स फोरफीटेड की केवल इतनी सी डेफिनेशन बहुत है और ये हमारे बहुत काम आगे नहीं आने वाली है। केवल इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर फोरफीटेड, बस इतना सा ही हम पॉइंट याद कर लेंगे, राइट। इसके बेस मैंने एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे बेटा, और ये कई बार हमारे एग्जाम में नजर आ जाता है, देखते हैं बेटा। Why limited 100 equity shares of 10 each for non-payment of the first call of 2 and the final call of 2 not yet made? मतलब 10 की टोटल कॉल थी, 2 की कॉल ही नहीं हुई और 2 रुपए का पेमेंट नहीं आया। तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि हमारा डिस्काउंट कितने तक का हमें मिल सकता है। क्या पूछ रहे हैं वो हमसे बेटा? मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ये हमारी बुक का पेज नंबर 8.110 क्वेश्चन नंबर 36 था। वो कह रहे थे व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा बेटा जितना पैसा हमारा फोरफीट में है केवल वही हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। तो वो होगा एट द रेट ऑफ ₹6। कैसे? 10 की कॉल हुई जिसमें 2 की कॉल हुई नहीं, तो कुल कॉल हुई 8 की, 2 रुपए का पेमेंट नहीं आया, तो बेटा पेमेंट किसका आ गया? 6 रुपए का। तो फोरफीट में मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का जाएगा? 6 पर शेयर का, राइट। तो याद रखेंगे ये एक नंबर में बहुत आता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज द अमाउंट फोरफीटेड, क्योंकि हम डिस्काउंट में तो फोरफीट को माइनस करते हैं ना बेटा। तो जितना फोरफीट में है अमाउंट, जो पैसा हमारा रिसीव हो गया है वही फोरफीट पे आता है, तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमारा एक नंबर में क्वेश्चन हमें बहुत नजर आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए तैयार करना है वो है स्टेट एंड द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो जाता है बेटा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? हमारा इसका आंसर होगा, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा पर्पस फॉर राइटिंग ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करने के कौन कौन से पर्पस होते हैं, हम 4 याद करके जाएंगे एग्जाम के लिए। पहला, इश्यूइंग द बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर, अपने खुद के शेयर परचेज करने के लिए, और राइटिंग ऑफ अदर एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ था। सेकेंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था बेटा डिबेंचर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑलरेडी वीडियो है आपके पास, शेयर और डिबेंचर का डिफरेंसेस
इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने तैयार किया था. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमने तैयार किया बेटा. और इसके अलावा कोई सिंगल भी क्वेश्चन नहीं था जो हमें सेकेंड चैप्टर में हमारा थ्योरी में छूटा था. एक बात हमेशा याद रखना कि फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर ये पॉइंट डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाए तब भी हमारा यही सेम आंसर होगा. और इस तरह से सेकेंड चैप्टर में अगर आपको कुछ स्पेशल थ्योरी याद करनी है तो वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए. वो था व्हाट आर द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड फॉर द इश्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी. तो इश्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी का जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई था आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर लें. और जो 6 केसेस हमने तैयार करे थे उनको भी थ्योरी के हिसाब से तैयार करिए. और इस तरह से हमने अपना 3rd चैप्टर शुरू करा था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. और उसमें हमें केवल थ्योरी में DRI याद करना है और DRR याद करना है और डेफिनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ही तैयार करना है. याद रखिएगा DRR और DRI के अमेंडमेंट 2020 जून के हिसाब से एक ही रूल है इनका. और उस रूल को 187B को हम याद करके रखेंगे. और यहाँ पर हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ. राइट, कहीं ना कहीं COVID-19 की वजह से हमारे CBSE ने 13% कोर्स हमारा कम कर दिया है. CBSE साइट पे चेक करिए. और हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का कोर्स चैप्टर इस वाले हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वीडियोस हैं और आगे वो कंटिन्यू रहेगी तो इसको तैयार करेंगे. आज हमारा सारे पॉइंट्स कवर हो गए, क्लियर हो गए. अगर आपको आज के थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा अच्छे से क्लियर हो गए हो और एक बार सारा थ्योरी वाइंड अप हो गई हो, रिवाइज हो गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.